सोमवार को नगर के करहल रोड स्थित नवीन मंडी के विवाह पंडाल में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत विवाह समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें जिले के अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने नव विवाहिता को आशीर्वाद दिया। जिलाध्यक्ष प्रदीप चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अनूठी योजना लागू कर गरीब माँ बाप की बेटी की शादी व्यवस्था की है। एक ही मंडप के नीचे वैदिक रीति रिवाज से हिंदू बेटियों की शादियां हो रही है, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम बेटियों के निकाह की रस्म भी अदा की जा रही है। जिन गरीब निर्धन परिवारों की बेटियों की शादी की जिम्मेदारी सरकार ने अपने कंधों पर ली है, उनकी सभी व्यवस्थाएं जिला प्रशासन के द्वारा की गई हैं। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि बेटियों का कन्यादान कर रहे हैं, कन्याओं के खातों में राशि को भेजा जा रहा है। बैंड बाजों की धुन पर बारातियों ने जमकर डांस किया। आशीर्वाद देने वालों में जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह, पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित, जिला पंचायत अध्यक्ष अर्चना भदौरिया, CDO विनोद कुमार, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि गोविंद भदौरिया, ब्लॉक प्रमुख सत्यपाल सिंह यादव, चेयरमैन रेखा देवी जाटव, भूमि विकास बैंक अध्यक्ष संजीव मिश्रा, दिनेश जाटव, शिव प्रताप चौहान, चंद्र प्रताप चौहान, आलोक सेतु मिश्रा, CEO संजय कुमार वर्मा, यदुवंश यादव, दीपक जैन, विकेश यादव, SDM शिवम नारायण शर्मा, थाना प्रभारी नरेंद्र पाल सिंह, गिरजानंद शाक्य, BDO यदुवीर सिंह, अशोक पाल सिंह यादव, MOIC डॉक्टर प्रवीण कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी इंदिरा सिंह आदि उपस्थित रहे। जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी CDO साहब मंचासी हमारे सम्मानित, आने वाले दिनों को आपके खुशहाली के लिए भी एक प्लेटफॉर्म भी तैयार कर रही है, पृष्ठभूमि तैयार कर रही है। जब आपके अकाउंट में कैश भी जा रहा है, आपके पास तमाम सामान दिया जा रहा है, जिससे कि आपको तत्काल किसी तरह की कोई कठिनाई का सामना। ये आज तीसरा दिन है जबकि सामूहिक विवाह का कार्यक्रम जनपद के 3 अलग अलग क्षेत्रों में मैनपुरी में मुख्यालय पर और देवर में कल हुआ था और आज यहाँ गिरोह में। ये आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए और स्थानीय रूप से हर क्षेत्र में कार्यक्रम करने की सरकार की आशा है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।